नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कस्टमर मास्टर रिपोर्ट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यदि हमें कस्टमर मास्टर डिटेल चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे। यदि सपोज हमें कस्टमर का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, डिटेल्स कुछ देखनी है तो कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वेंडर डिटेल्स के, वेंडर डिटेल्स कैसे देखते हैं, उसके टी कोड्स क्या होते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग कस्टमर मास्टर डिटेल्स देखेंगे। दोस्तों, हर वीडियो की तरह पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा आपका, उसका हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हमारी वीडियो स्टार्ट करेंगे कस्टमर मास्टर की। आइए आप लोगों के क्वेश्चंस पे चलते हैं। यदि हम MB52 टी कोड चलाते हैं उसमें ऑथराइजेशन एरर आ रहा है तो उसे रिजोल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों, MB52 की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, MB52 कैसे चेक करते हैं। आज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा यदि हमें एरर आ रहा है ऑथराइजेशन का तो उसे कैसे रिजोल्व करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कस्टमर रिपोर्ट, उसका टी कोड देखेंगे, वीकस्ट, वीकस्ट कैसे यूज होता है। दोस्तों, ये वीकस्ट जो टी कोड है वो स्टैंडर्ड टी कोड है, सारी कंपनियों के लिए सेम होगा। हम इस टी कोड की हेल्प से कस्टमर की डिटेल देख सकते हैं, हमें इसके लिए कोई भी कस्टमाइज टी कोड रिक्वायर्ड नहीं है। क्या होता है कि हर कंपनी अलग अलग कस्टमाइज टी कोड बनवाती है जिसकी हेल्प से वो कस्टमर मास्टर डिटेल्स देखती हैं। आइए हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे टी कोड वीकस्ट। दोस्तों, ये मैंने टाइप किया वीकस्ट, उसके बाद एंटर करूंगा। दोस्तों, एंटर करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पे लिखा है कस्टमर लिस्ट। यदि आपके पास कस्टमर कोड है तो आप यहाँ पे कोड डाल सकते हैं, यदि नाम पता है तो नाम के थ्रू आप इसको रन करके देख सकते हैं, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, सिस्टम। दोस्तों, ये सारे ऑप्शन है। यदि आपके पास कस्टमर की कोई भी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे फीड करके उसे इजिली एग्जीक्यूट करके पर्टिकुलर एक का देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो वो आप ले सकते हैं, जैसे मैं 1100 लूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपकी वो ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी कस्टमर मास्टर डिटेल छोटी हो जाएगी, आपको डिस्प्ले देखने में और इजी रहेगा। जो पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं सिर्फ आप उन्हीं की डिटेल्स देख सकते हैं। फिर सेल्स ऑफिस है तो सेल्स ऑफिस टाइप कर सकते हैं, सेल्स ग्रुप, ब्लॉक डाटा। सपोज यदि आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक है किसी कस्टमर का तो वो यहाँ से दिखाई देगा। दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक, एसडी, डिलीवरी ब्लॉक, डिलीवरी ब्लॉक, बिलिंग ब्लॉक, बिलिंग ब्लॉक, या ब्लॉक डाटा भी चेक कर सकते हैं। डिलीट, डिलीशन फ्लैग, डिलीशन फ्लैग सेंट्रल, डिलीशन ब्लॉक। दोस्तों, यदि हमने किसी कस्टमर को ब्लॉक किया तो आप इसको इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मुझे पूरे कस्टमर की रिपोर्ट्स देखनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टाइप करूँगा। और यदि मेरे पास डिवीजन है, सपोज मैं 70 डाल रहा हूँ, यदि आपके पास कुछ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करके इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। आप चाहें तो यहाँ से आपके कस्टमर कोड चेक कर सकते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है वो चेक कर सकते हैं, डिवीजन, सेल्स ऑफिस क्या लिया है, सेल्स ग्रुप क्या लिया, नेम क्या है, जैसे न्यू रेंट देख लेते हैं, सिटी क्या है, दिल्ली है न्यू रेंट की, स्ट्रीट क्या है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, रीजन क्या है, ये डिटेल्स आप इजिली चेक कर सकते हैं जी कस्टमर मास्टर टी कोड से। सपोज यदि मुझे एक कस्टमर की डिटेल देखनी है तो मैं एक कस्टमर पर क्लिक करूंगा, बैक जाऊंगा, यहाँ पे कस्टमर कोड टाइप करूंगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कोई टाइप नहीं कर रहे, सिर्फ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर कोड, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद पर्टिकुलर एक ही कस्टमर की डिटेल्स होगी जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो हम ऐसे कस्टमर की डिटेल चेक कर सकते हैं। हम चाहें कि नहीं, हमें कस्टमर की डिटेल में से कस्टमर कोड भी नहीं डालना है, सिर्फ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने से आपकी रिपोर्ट्स तो बड़ी हो जाएगी बट आपको A to Z कस्टमर पूरे हो सो हो जाएंगे। जैसे अभी चेक करते हैं, ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया ये हमारे पास कस्टमर मास्टर डिटेल्स आ गई। इसमें सारी डिटेल्स जाएंगी जितने भी हमारे कस्टमर बने होंगे, चाहे वो कस्टमर कस्टमर हो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो, डिवीजन हो, सेल्स ऑफिस हो, सेल्स ग्रुप हो, सिटी हो, सर्च टर्म हो, स्ट्रीट हो, सिटी हो, रीजन हो, पोस्टल कोड है, ये इजीली आप यहाँ से कस्टमर की डिटेल चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक टी कोड और होता है जिसकी हेल्प से आप कस्टमर डिटेल्स चेक कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर वन बाय वन कर सकते हैं। सपोज यदि मैं चाहूँ कि मुझे BP टी कोड यूज करना है
बीपी होता है हमारे कस्टमर क्रिएट के लिए, हम इसको एंटर करेंगे। दोस्तों एंटर करने के बाद यदि आपके पास किसी पर्टिकुलर कस्टमर का कोड है तो आप यहाँ पे कोड टाइप करके एंटर करेंगे तो सिर्फ उसी की डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो आप यहाँ से भी इजीली कस्टमर डिटेल चेक कर सकते हैं। और यदि आपके पास किसी कस्टमर का कस्टमाइज टी कोड है, जैसे सपोज मेरे पास कस्टमर कस्टमाइज टी कोड है जेड कस्ट मास्ट, ऐसा यदि आपके पास कोई टी कोड है तो आप उसे एग्जीक्यूट कीजिएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे कोड डालना है। कोड डालेंगे तो आप चाहें तो कंपनी कोड डाल सकते हैं, अकाउंटिंग ग्रुप डाल सकते हैं, या फिर हम सिर्फ कस्टमर कोड डाल के रन करके देखते हैं। यदि हम रन करेंगे तो यहाँ से दिखाएगा रेंट, सिटी, रीजन, जेडीआर कौन सा अकाउंट ग्रुप है, यदि पैन डिटेल है तो पैन डिटेल दिखाएगा, सीएसटी की डिटेल डली है तो वो दिखाई देगा, पेमेंट टर्म्स है तो वो दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर की पूरी डिटेल्स शो होगी। यदि कोई ऐसी डिटेल्स है जो शो नहीं है तो हम यहाँ से चेंज लेआउट पे जाके वो भी चेक कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी डिटेल्स शो है। यदि सपोज आपकी कोई डिटेल्स यहाँ पे कॉलम में है तो आप इसको लेफ्ट साइड ला के डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई कस्टमाइज टी कोड है जो जेड से स्टार्ट होता है, आप कस्टमर डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम आप लोगों की क्वेश्चंस पे, कि आप लोगों ने क्वेश्चंस क्या पूछा था। दोस्तों इन्होंने MB52 का पूछा था कि MB52 जो टी कोड चला रहा है उसमें इनके पास ऑथराइजेशन नहीं है। दोस्तों MB52 क्या होता है? MB52 का हम यूज करते हैं स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए। जब भी हमें हमारा करंट स्टॉक देखना था, हम MB52 की हेल्प से देख सकते हैं। कि मेरे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आप एक की यूजर्स की तरह वर्क कर रहे हैं और आप ही के पास ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, SU01 टी कोड जो होता है, SU01 टी कोड से हम ऑथराइजेशन देते हैं। तो उस टी कोड की हेल्प से आप ऑथराइजेशन भी इशू कर सकते हैं, इशू ले सकते हैं जिस आईडी में एरर आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि राहुल साहू की आईडी में MB52 का ऑथराइजेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, टी कोड चलाऊंगा SU01। SU01 से मैं इजिली MB52 का ऑथराइजेशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो दोस्तों यदि आपके आईडी में ऑथराइजेशन नहीं है तो जो भी आपके की यूजर्स हो, सेप सपोर्ट हो, आप उनसे ऑथराइजेशन ले सकते हैं। यदि आप खुद ही की यूजर्स SAP कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं तो आपको SU01 टी कोड चलाना है और उससे ऑथराइजेशन आप इजीली ले सकते हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट टू SAP सपोर्ट फॉर MB52 एक्सिस। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कस्टमर मास्टर डिटेल कैसे देखते हैं। हमने आज कुछ टी कोड देखे थे, दो तीन टी कोड। फर्स्ट देखा था हमने वी कस्ट स्टैंडर्ड टी कोड्स होता है, इसके हेल्प से कोई भी यूजर्स कस्टमर डिटेल्स देख सकता है। सेकंड हमने बताया था बीपी, बीपी भी दोस्तों स्टैंडर्ड टी कोड है। दोस्तों यहाँ पे भी पर्टिकुलर आप एक कस्टमर की डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर डिटेल्स हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट हमने देखा था कि यदि आपकी कंपनी ने कोई कस्टमाइज टी कोड बनाया है जेड कस्ट मास्ट की तरह, तो आप इसको भी रन करके इजिली कस्टमर डिटेल्स देख सकते हैं। कस्टमर रिपोर्ट तीन टी कोड देख लिए, एक कस्टमाइज और दो स्टैंडर्ड टी कोड। प्रीवियस वीडियो में मैंने वेंडर की डिटेल्स शेयर की थी, आज की वीडियो में हमने कस्टमर डिटेल्स शेयर की। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स पे लिखकर पूछ सकते हैं, मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।